तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे। तो मैं आज रिकॉर्ड ने ब्लॉग के साथ, तो यार आप लोगों को सबको पहले मेरी तरफ मुबारक हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हफ्ता ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग टोटली मेरे सिस्टम के ऊपर होने वाला है, क्योंकि रात का आपका भाई का आ गया गेमिंग पीसी, इसके ऊपर आपका भाई करेगा हैवी एडिटिंग, सीखेगा करेगा नहीं भी सीखेगा, और साथ में आपका भाई अब सोच रहा कि जीडीए सीडी करके लाइव स्ट्रीम अपनी स्टार्ट कर दे रहे अपने स्टाइल में। तो बाकी आज पीसी दिखाता हूँ, अभी मैंने ऑन भी नहीं किया मैं कि यार सुबह ऑडियंस के लिए ऑन करेंगे हम, ठीक है। लॉयल हूँ, आप लोगों ने भी लॉयल हो गए चलना मेरे साथ, ठीक है। सर जी ये अपना सेटअप है, ये पीसी थोड़ा आपका भैया वाली एलसीडी यूज करेगा, कोई नहीं ये भी कुछ सेटअप सेटअप करेंगे। तो बाकी इसके ऊपर वो जो होता है सिलो टेपिंग क्या होती है वो चला के दी हुई है भाई ने। तो आपके भाई ने से दिशान भाई को एक मैसेज किया, दिशान भाई ने कहा स्पेक सेंड करो, तो आपके भाई ने जैन ओपी कॉन्टेक्ट किया, जैन ओपी ने स्पेक सेंड किए, तो आपके भाई ने फोन आगे दिशान भाई को सेंड किया, दिशान भाई ने फोन आगे सिस्टम वाले को सेंड किया, उसने कहा भाई लो तैयार हो गया। तो बाकी फिर जाके लड़के लुड़के उठा के ले सिस्टम के, तो भी शुक्र है पसीना पसीना आया हुआ था उसके ऊपर टेप हुई है तो अंदर नहीं गया पानी। तो बाकी इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं एलसीडी पे, और एक ये एलसीडी होगी हमारे पास, और एक वो मेरा पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है, तो आपका भाई इसको भी यूज़ करेगा एलसीडी के ऊपर आपके लोग कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो बाकी ऑडियो का सेटअप आपके भाई का बहुत हैवी पड़ा है, सिर्फ आपके भाई को चाहिए एक अदर माउस, एक अदर कैमरा, वेब कैम सोच रहे फोन पर यूज़ कर लेंगे, और दूसरी तीसरी जो इसको मेन चीज़ है गेमिंग में हेडफोन्स वो बाय करने हैं आपके भाई ने अब। तो बाकी सजेशन करो कि कमेंट में कि कौन सा हेडफोन बेस्ट है, तो फिर आपका भाई बाय कर लेगा वो। तो भाई जैन ओपी को फ़ोन करते कि बाबा जी हमें JDF ICD JDF 5B और GT6 तो बीटा चल रहा है शायद, उसको छोड़ना पड़ा, और साथ में आपका भाई फोर्टनाइट गेमें अब खेली खेलनी है, अब बाबा का विल है अब गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग कर लेनी शुरू कर देनी है। बाकी आप लोगों ने मेरा साथ देना है, तभी मैं इंटरनेट वाले को भी फ़ोन करता हूँ, साथ ही जरा इंटरनेट थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि अब आपके भाई ने करनी है लाइव स्ट्रीम स्टार्ट, तो उससे भी करते हैं कॉन्टैक्ट और राउटर भी अपना बदलते हैं। तो बाकी इसको ऑन करते हैं सेटअप को, डब्बे को देखते हैं यार, इसके भी ईमेल ना लगी हुई है कोई करीबन 16 GB रैम लगी हुई है, और साथ में इसके भी ईमेल का 2 GB का GTX GTR का ग्राफिक कार्ड है, और इसके भी में 128 SSD और 500 HDD लगी हुई है, और साथ में जो प्रोसेसर है i7 प्रोसेसर इसके भी में। तो बाकी माशाल्लाह ओवरऑल लुक अच्छी है, तो यार तो गेमिंग केस था ना उसके ऊपर आपके बहने से नहीं पैसा जाया, क्योंकि यार वो आना था 10-11 हज़ार का केस था, वो उसके भी लाइटें होनी थी, प्यारा तो जरूर लगना पर उसके लिए सेटअप भी होना चाहिए। अभी आपके भाई को टेबल भी लाना पड़ना है इस सिस्टम रखने के लिए। तो बाकी इसकी टेपे टूपे तारते हैं, तार लेते हैं बिस्मिल्लाह। सर जी हैवी वाली फीलिंग आ रही है, हैवी वाली फीलिंग। सर जी मिस्टर जे से कॉन्टेक्ट कर लेना है, उससे क्लैप करना उन्हें, जे भाई अगर आपको तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आपने यार मेरे साथ GTA में आना है। बाकी जो केस है ना ये पुराना केस है, नया आपके बहने से नहीं लिया, क्योंकि भाई पैसे ज़ाया होना था नए के ऊपर, क्योंकि आपके बहने वैसे फ्यूचर में लैपटॉप के ऊपर अपग्रेड कर लेना। तो बाकी ये खुल गया, वजनी है बाबा जी, वजनी है, ठीक है। इसको रखते हैं टेबल पे, हाँ ये हो गया जी। तो पीछे ना ब्लूटूथ लगवाया हुआ है, ब्लूटूथ, बाकी इतनी ज़्यादा टेप चढ़ाई हुई थी भाई ने, अच्छा क्या चढ़ा दी। उसका सेटअप केस खोलते हैं, जी से खुलता है ना, नहीं इसके ना पेच लगे हुए, ये नहीं खुलना, उन्हें आपका भाई ने आपको खोल के दिखा देना था। हाँ यार ये ना पेच से इसका केस बंद है, ये नहीं खुलता, उन्हें ऐसा नहीं ये खींचने के लिए, खैर एनीवे छोड़ो। तो बाकी स्प्ले लगी हुई है 220 वाट की, और ये आपके भाई ने एक चीज लगवा ली थी एंड में याद आया था, ये है वाईफाई का जो डंगल जो भी कहते हैं, और ये आपके भाई का लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड, हाँ यही होता है ग्राफिक कार्ड। तो बाकी यहाँ पे हम पिन लगाएंगे, और यहाँ से हम लगाएंगे सीधा ये LED के अंदर। तो बाकी फिर आपका भाई पिन लेके आता है, सेटअप स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स गो।
तो और जो अपना सेटअप था वो आपके भाई ने कर लिया यार, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही कि ये एलईडी का मसला या फिर ग्राफिक कार्ड में पिन नहीं सही लगी, ये जो पिक्सल्स फट रहे हैं, तो बाकी इसका भी हर कोई ना कोई निकाल दिया, देख रही है ये पिक्सल्स फट रहे हैं या फिर मैंने पिन कोई गलत जगह लगा दिया, कोई नहीं इसका भी हल निकालते हैं अभी। तो अभी इसके मैं वाईफाई लगाता हूँ और इसके बाद वीडियो यूट्यूब पे चला के चेक करता हूँ कि इसका रेजोल्यूशन कैसी है। कुछ नोट किया 40 अपनी जो केबल है वो नहीं सही लगी, इन दोनों में से एक मसला होना है। तो बाकी अभी मैं अंदर जाकर सुन लगा क्योंकि भाई नींद नहीं पड़ी, सुबह बकरों के चारा चुरा लेने गए थे तो वहाँ पे टाइम लगता है। तो बाकी गुड नाइट, तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब तक के लिए देखते रहो। जी अभी मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, तो अभी हम जाएंगे रस्सियाँ लेने, क्योंकि सर जी ये है ना बड़ा ही भुखा किस्म का इंसान है, मैनू भी नहीं छड़ता, मैनू भी चट ही जाता है, दंदियाँ काट रहा है ये। तो इसने अपनी रस्सी खोद दी है, ये देखो ये सारी रस्सी इसने काट ली है। चले मेरा फोन ही छड़ दे, फोन छड़ दे। चल अब इनकी ना दो रस्सियाँ लेके आनी है, इसकी भी लेके आनी है, ये दोनों की नई रस्सियाँ डालेंगे। तो बाकी चलते अपने मेन जी टी रोड के ऊपर, जल्दी जाके वहाँ से रस्सियाँ रस्सी लेते हैं, पट्टे पुट्टे का भी बना सीन तो पट्टा पुट्टा भी ले लेंगे। सर जी है देखो कटता उस्ताद जी, वो दांत बड़े नाड़ी भूल गए मुझसे। उस्ताद जी यहाँ पे हो गए, WWF शुरू ले, ये मारेगा। चलो जी सिंह जो रस्सी फाड़ गई, ये भाई मारने लगा। उसका मैच करवा देते रस्सी, चल 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 शुरू। उस्ताद जी उस्ताद जी तो वाह भी जोर मार दे, फिर मैनू ना मार दी, मैनू ना खसी कर दी, नहीं दिया बाहर डिग जाएगा, बाहर डिग जाएगा है, तेन समझ नहीं आया, वो तो शरारती हो गया ये चंड पे। कुछ ऐसे कि आपके बाइक का सिस्टम तो रेडी हो चुका है, तो एलईडी भी आपके बाइक के पास अपनी मौजूद है, पहले से एक मॉनिटर भी, एक और जो कीबोर्ड था RGB वाला वो मुझे मेरे जैन आपके जो दोस्त था उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, बाकी माउस है वो भी, इसको मैंने कहा था तो कह रहे थे मेरे बैग पड़ा हुआ लॉजिक टेक का कोई माउस है तो मैं वो दे दूंगा, बाकी इसको भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि इसको मिला या नहीं मिला। और उसको मैंने रात का बोला कि भाई जान जैसे मेरा PC है कि तूने मुझे GTA 5 करके देनी है, क्योंकि यार मेरा नेट की स्पीड स्लो है, तो अगर मैं कर दूँ मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएगा भाई, 150 GB की गेम समझ नहीं आती। तो उसको मैंने कहा, उसने कहा था भाई मैं भी कर लूँगा डाउनलोड, फिर तू भी डाउनलोड कर ली, फिर तू और मैं लाइव खेला करें, मैं ठीक है भाई डन हो गया। तो बाकी अभी रूम भी अपना साफ सुफ करना है, अभी उसका भी एस्टिमेट करते क्या हिसाब किताब है, क्योंकि साथ जी जो PC बनाना है, PC सिर्फ खाली PC, वो भी अपना जाने का बंदा, उसे रिएक्ट करने के बाद वो बना है करीबन 52 का बना, हाँ 52 का एग्जैक्ट 52 बना, उसके भी में आगे बनने लगवाया i7 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 128 GB SSD और 500 GB वो थी HDD, और उसके बाद बाकी 2 GB का ग्राफिक कार्ड था, वो था GTR किस तरह का नाम था मैं जहन ने सेंड किया, तो बाकी मैं आपको स्पेक्स अभी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा वो थे। तो साथ में केस आपके बैंड लोकल लगवाया, क्योंकि यार अभी इतना वो वाला क्रेज नहीं है, वो पूरा रूम शूम उसके लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, उसके लिए अपने कमरे में AC भी लगेगा, AC की कीमत, फिर उसके बाद एक वो RGB लाइट लगेंगी एस्टिमेट, और उसके बाद छोटे छोटे काफ़ी खर्चे हैं, तो इसलिए आपके भाई ने भी सोचा कि मुझे नॉर्मल है ना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश तो है कि ये जो 6 दिन है ना इसके भी में अपना कवर हो जाए सारा, या फिर पहली से आपका भाई इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम पे बैठेगा आके रात के टाइम, जिस दिन लाइट खिंचाया करेगी तंगी आगे उस दिन आपका भाई नहीं बैठेगा, बाकी हर दिन आपका भाई लाइव स्ट्रीम करेगा, ईद के ऊपर लाजमी लाइव स्ट्रीम करेगा, क्योंकि ईद की रात आपके भाई ने वेले होना है तो लाइव स्ट्रीम ही चलेगी। तो बाकी इंशाल्लाह अपने जो फ्यूचर प्लान है जिसके भी मैं कहता कि भाई बहुत हैवी हैवी गोल्स हैं, तो भाई ईद के बाद तो मेरी लाइव स्ट्रीम मिलनी है, उसके बाद एक दो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेगा आपका भाई। इस हिसाब से आज का व्लॉग करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए हाफिज़।